चलिए आपको एक देसी इंजीनियर के नायाब आविष्कार को दिखाते हैं। यकीन मानिए इस आविष्कार को देखकर आप भी कह उठेंगे वाह क्या बात है। फोन की ट्रिन ट्रिन और स्टार्ट हो गई गाड़ी, क्या बाइक, क्या ट्रैक्टर और क्या जनरेटर, एक रिंग से हर चीज हो जाती है स्टार्ट। देसी इंजीनियर का नायाब आविष्कार, छोटा सा मोबाइल, कुछ तार, एक बैटरी और नायाब आविष्कार। तारों को जोड़ा गया और मोबाइल से रिंग दी गई और लीजिए हो गई बाइक स्टार्ट। अपनी शिक्षा को अपनी बंदिशें ना बनाते हुए हाई स्कूल पास इस देसी इंजीनियर ने मोबाइल की मदद से कई मशीनों को चला डाला। खुद देखिए आप भी इस नायाब इंजीनियर को। देसी इंजीनियर सोनू के इस आविष्कार से पूरा गांव हैरान भी है और खुश भी है, लेकिन सोनू की सोच इस आविष्कार तक ही सीमित नहीं है। ये देखो, मैं इलेक्ट्रिकल की दुकान करता था पहले, मैं काम भी सीखा ये चार्जर जूजर वोल्टेज वोल्टेज से, ठीक है जी। और मैं सोचा था मैं मतलब किसानों को ऐसी सुविधा दूँ जो मतलब कई खेत खात में हो, मतलब वहाँ गांव में भी आना पड़ सके तो ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाए या गाड़ी भी स्टार्ट हो जाए, जनरेटर भी स्टार्ट हो जाए, तो ये सुविधा ट्वेल्व भी स्टार्ट हो जाए, ये सुविधा देना चाह रहा था जी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के चलते सोनू ने पढ़ाई छोड़कर मजदूरी शुरू कर दी और इसी मजदूरी से बचे पैसों से वो इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता और उनसे अलग अलग प्रयोग करता। फिलहाल सोनू के इन नायाब आविष्कारों की गूंज दूर दूर तक है। जिले में मौजूद अधिकारी भी सोनू की मदद की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ का एक बच्चा जो कि 10वीं पढ़ा लिखा है, उसके बाद मजदूरी करता है, मजदूरी करते हुए उसकी सोच यहाँ तक पहुँची कि उसने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तैयार किया कि जिसमें मोबाइल द्वारा वो गाड़ी स्टार्ट कर सकता है, जनरेटर स्टार्ट कर सकता है। उसका इस सराहनीय काम के लिए मैं जिला विज्ञान कोऑर्डिनेटर यहाँ शामली का उसका CST यानी कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट भेजूँगा और कोशिश करूँगा कि उसे किसान मजदूर विज्ञान का जो उनका पुरस्कार 25,000 का है उसके लिए उसकी मैं फाइल अगर सारित करूँगा। अपने हौसले और लगन के दम पर सोनू ने वो कर दिखाया है जो खुद इंजीनियरिंग पास इंजीनियर के लिए भी एक नजीर है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वरुण पवार, शामली, समाचार प्लस।